ग्यारह महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। पंचायत फैसला करेगा, पंचायत पुलिस नहीं करती। बुलाया किसने? आपको कॉल आया ना? आपका वीडियो का फर्ज है लेकर ठीक है, इंसाफ है, इंसाफ है के लिए ना आपको कहते हैं। चलिए बस ठीक से रहिए ना, ठीक से रहिए ना। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? वो बंद रखिए, तू चुप है। हम अपने शोहर से बात कर रहे हैं। अंदर फेंक देंगे। वो हमारे रिश्ते के बीच क्यों आया? अरे हम उससे शादी किया था, हम इशारा नहीं करते। वो लड़का क्यों मेरे रिश्ते में आया? दोस्तों, हर रोज धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते रहता है और सबसे दुख भरी बात ये है कि सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियां इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लेती हैं, मुसलमान बन जाती हैं। और ये सब यूं ही नहीं होता, ये सब लव जिहाद के कारण होता है, जिसके कारण उन्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़ता है। इन मासूम लड़कियों को टारगेट किया जाता है, वो मुस्लिम लोग हिंदू बनकर सामने आते हैं, प्रेम का ढोंग रचते हैं, सनातन का दिखावा करते हैं, और जब संबंध बन जाता है तो वो बताते हैं कि वो मुसलमान है और उन लड़कियों को अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। देखो, हाँ तो पहले एक्सेप्ट तो कर लो। कोई नहीं है, तमाशा क्या है? मतलब कोई नहीं है रास्ते। अब बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्या हो गया? देखो मैं नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में क्या मैं कर रहा हूँ? मतलब हम दोनों का कास्ट अलग है ना। तो कास्ट अलग है तो क्या हो गया? मैंने उससे बोला कि उसके, उससे मैंने पूछा कि कौन से घर से हो, तो उसने बोला मुस्लिम। हाँ तो मुस्लिम, हम तो आज मुस्लिम नहीं हुए, पहले से ही है। तो क्या हो गया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम दोस्त। हाँ हाँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो और क्या प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम हो सकता? प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा, मतलब फैमिली के। बेचारे इसी लव जिहाद में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन करती हैं। अगर वो नहीं करती तो उनके साथ मारपीट की जाती है, जोर जबरदस्ती की जाती है। दोस्तों, इस्लाम अपने आप में एक कट्टरवादी धर्म है, जिसमें तीन तलाक बोलने पर बीवी को छोड़ दिया जाता है। और इस्लाम में हलाला नामक एक प्रथा है, जिसमें हर रोज न जाने कितनी महिलाओं की इज्जत को लूट लिया जाता है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी अभी क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। हलाला जो है, मान लीजिए जैसे तलाक दे दिया जी, है ना जी। और अगर वो लड़की दोबारा अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है तो उस पीरियड में जैसे देवर हुआ, जेठ से तो हो नहीं सकता, देवर उससे हलाला होता है। अब ये प्रथा चूंकि पहले से चली आई है, अब इतनी जल्दी इसको खत्म करना, तो मुस्लिम इस पे नहीं राजी होगा। ऐसे बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसे तंग आकर हर रोज मुस्लिम महिलाओं ने इस्लाम को छोड़ा है, और वो धीरे धीरे छोड़ रही हैं, और वो सनातन की ओर आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, आजकल इस्लाम को छोड़ना एक आम बात हो गया है। हर रोज हजारों में लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं,
ये दुनिया के कोने कोने में हो रहा है और बहुत सारे इस्लामिक देशों में भी हो रहा है। कुछ मामला भारत में भी हुआ है जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उनका कहना है कि सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दोस्तों, ये मामला है कश्मीर का। कश्मीरी मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू से शादी कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसका प्रमाण पत्र। J&K पुलिस ने चेतावनी भी दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। जम्मू कश्मीर बारामूला की एक लड़की के धर्म परिवर्तन कर शादी करने के बाद उसका प्रमाण पत्र भी सामने आ गया है। लड़की ने मुंबई के निवासी से दिल्ली में शादी की। हिंदू रीति रिवाज से यह शादी 19 अगस्त को नई दिल्ली के ही विष्णु नगर में सनातन वैदिक समाज कल्याण संगठन द्वारा प्रमाणित की गई। इतना ही नहीं, लड़की ने धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बारामूला में लड़की के पिता ने गत 16 अगस्त को जिले के क्रेरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस स्टेशन के क्रेरी ने मामले का संज्ञान लेते हुए BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बारामूला पुलिस ने मामले को लेकर बयान जारी करते हुए ये बताया है कि 16 अगस्त 2024 को मोहिउद्दीन शेख की बेटी के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बारामूला पुलिस को जांच में पता चल गया है कि उक्त लड़की ने धर्म परिवर्तन कर नवी मुंबई के सागर प्रदीप सिंह से विवाह कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने सभी को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि डिजिटल स्पेस सभी के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे। तो दोस्तों, ये थी वो खबर जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से रोज खबरें आते रहती हैं। आजकल इस्लाम की लड़कियां धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म को अपना रही हैं और इसके पीछे के कारण अनगिनत हैं। आप सभी को पता है, इस्लाम की कट्टरता से वो परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन करती हैं। उन्हें सनातन धर्म में शांति दिखाई देता है, उन्हें सनातन धर्म में वो सम्मान मिलता है जो सम्मान उन्हें इस्लाम में कभी नहीं मिला। दोस्तों, दूसरी खबर मंदसौर से है। मंदसौर में एक मुस्लिम महिला ने अपने दो बेटों के साथ हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। महिला ने बताया कि उसको मारा पीटा जाता था, उसकी इज्जत नहीं होती थी, इसीलिए उसने हिंदू धर्म स्वीकार करने का फैसला किया है। महिला के साथ दोनों बेटों ने पूरे नियम कानून और विधि विधान से अपना धर्म परिवर्तन किया है। मेहनत से मीनाक्षी बनी महिला के अनुसार उसे अपने परिजन के व्यवहार से समस्या थी, लिहाजा हिंदू धर्म अपना वो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। उसने धर्म परिवर्तन के बाद अपने ससुराल और मायके के सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मामला मंदसौर के घमनार गांव का है। मेहनाज ने अपने दो बेटों मोहम्मद फैजान शेख और फरहान शेख के साथ हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। तीनों को बुधवार को मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ सनातन धर्म में शामिल कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद महिला का नाम मीनाक्षी हो गया, जबकि उसके दोनों बेटों का नाम लव और कुश हो गया। मीनाक्षी ने बताया कि उसे अपने पुराने धर्म से कोई समस्या नहीं थी, मगर उसका खुद के घर में बहुत अपमान होता था। उन्हें और उनके बच्चों को इज्जत नहीं मिलती थी, उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले में उसके मायके पक्ष के लोग भी खुलकर साथ नहीं दे पाए, लिहाजा उसने नई दुनिया बसाने की सोची और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। मीनाक्षी ने बताया कि मेरी शादी को करीब 15 साल हो गए हैं। पति मारता था, पीटता था, मुझसे दुर्व्यवहार करता था, सम्मान नहीं करता था मेरा। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें देवी का रूप माना जाता है। इन सब से मैं काफी प्रभावित हो गई थी, इसलिए मैंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। अब मेरा मेरे ससुराल और मायको वालों से कोई संबंध नहीं है। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष चैतन्य सिंह राजपूत और कई लोग भी मौजूद रहे। दोस्तों, तीसरा मामला भोलेनाथ की नगरी काशी से है।
धर्म की नगरी काशी में मुस्लिम परिवार ने सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर रविवार को घर वापसी करते हुए सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। वाराणसी के भोजीपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम दंपत्ति के साथ उनके बेटे ने सनातन धर्म को राज सूत्र के तत्वधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वीकार किया। चंदौली जनपद ग्राम बिछिया पोस्ट जगदीश सराय के रहने वाली रिजवाना अपने पति मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ बेटे मोहम्मद राज के साथ सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। सनातन धर्म में वापस आने के बाद दंपति ने अपने बेटे के साथ अपने नाम को भी सनातन संस्कृति के अनुरूप रख लिया है। और दोस्तों, ये सबसे हैरान कर देने वाली खबर है। मुस्लिम धर्म के पठान जाति से आने वाली रिजवाना सनातन धर्म स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। जी हाँ, उनका नाम गुड़िया सिंह हो गया है और उनके पति मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम डब्लू सिंह हो गया है और उनके बेटे मोहम्मद राज ने अपना नाम राज सिंह कर लिया है। वाराणसी में मुस्लिम परिवार के घर वापसी की खबर सोशल मीडिया से लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म को अपनाने वाले दंपति ने बताया कि उनके 6 पीढ़ी पहले मुगल साम्राज्य के अत्याचार से पूरे परिवार ने मुस्लिम धर्म मजबूरी में अपनाया था। अब समय सनातन संस्कृति के अनुकूल होने के साथ अब उन्हें मुगल साम्राज्य के अत्याचार के दौरान धर्म परिवर्तन की बात की जानकारी हुई। तब सभी ने अपने पुराने वास्तविक धर्म में लौटने का निर्णय लेते हुए राज सूत्र पीठ से संपर्क किया। ऐसे में आर्य समाज मंदिर में वैदिक विधि विधान के साथ मुस्लिम धर्म को सनातन धर्म में वापसी कराया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।